Hello everyone and welcome to my channel Easy English Literature. Today we will discuss Jacobian Age and Caroline Age. So let's start. James I ruled from 1603 to 1625 and this period is known as Jacobian Age. He was also the King of Scotland from 1567 to 1625. There he was known as James the Sixth. Okay. एंड वाई ही वॉज नोन एज जेम्स द फर्स्ट बिकॉज इंग्लैंड में इनसे पहले जेम्स नाम से कोई रूलर नहीं था तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जेम्स द सिक्स्थ का नेम चेंज हो गया जेम्स द फर्स्ट. नाउ जेम्स द फर्स्ट वॉज द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. इससे पहले जो भी रूलर्स थे वो रूलर्स थे ऑफ इंग्लैंड बट ही वॉज द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन दैट इज इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड. नाउ लेट्स नो समथिंग मोर अबाउट हिम. He was a strong advocate of royal absolutism. That means he was always in conflict with parliament because according to him, king is the supreme power. He was the only son of Mary, the Queen of Scots. He studied Latin, Greek, French. That means he was very ambitious, literally very ambitious, but was also a bookworm. Now, some people thought, a group of English people thought that James I will not support Elizabeth I. Why? Because Elizabeth I executed his mother. But James I supported the idea of Queen Elizabeth I. Now, what is the reason? What is the reason that James I supported the idea of Elizabeth I who murdered, yeah, who killed his mother? The reason was James I thought that a large number of people were in support of Elizabeth I. And if he want to gain their trust, है ना, अगर लोगों के goodwill में आना है तो उन्हें Elizabeth I के ideas को support करना पड़ेगा. So James I followed the footsteps of Elizabeth I. Now two important thing happened during Jacobian Age. First was King James I authorized the publication of English Bible which was written in 1611. जो किंग जेम्स का वर्जन था बाइबल का उसको उन्होंने इंग्लिश में पब्लिश करने का पब्लिश करवाया इन द ईयर 1611. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकंड इज़ द गन पावर ट्रीजन. नाउ व्हाट इज़ गन पावर ट्रीजन? स्मॉल ग्रुप ऑफ इंग्लिश कैथलिक्स प्लान्स टू मर्डर जेम्स I. ठीक है, कुछ इंग्लिश कैथलिक्स ने प्लान किया जेम्स I को मर्डर करने का. वाई? देयर वर मेनी रीजंस. एक तो जो हेनरी दी एट से जो कंटिन्यूस रिलीजियस ऑपरेशन हो रहा था. सेकंड, जो एंग्लियन चर्च स्टार्ट किए थे कैथलिक्स उसके अगेंस्ट थे. थर्ड, एलिजाबेथ न्यूट्रल थी तो भी लोगों में गुस्सा था कि वाई शी इज़ नॉट फेवरिंग कैथलिक्स. तो ये इन सब कारणों की वजह से धीमे धीमे कैथलिक्स में गुस्सा होता गया एंड फाइनली दे प्लान्ड कि वो किंग जेम्स I को मर्डर कर देंगे. नाउ व्हाट वॉज द प्लान? द प्लान वॉज कि वेस्ट मिनिस्टर पैलेस जो कि पार्लियामेंट हाउस है उसके बेसमेंट में बहुत सारा गन पाउडर भर दिया गया एंड इट वॉज डिसाइडेड कि वेन देर विल बी अ पार्लियामेंट्री मीटिंग इस गन पाउडर में आग लगा दी जाएगी. बट वॉट हैपेंड? अ अनोनिमस लेटर केम टू अ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्राइबिंग एवरी थिंग दैट वॉट वॉज गोइंग टू हैपन. एक अनोनिमस लेटर आया मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट के पास कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है. एंड जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स वर अरेस्टेड. सारे कॉन्स्पिरेटर्स अरेस्ट हो गए. तो ये जो डे है 5 नवंबर, दिस इज सेलिब्रेटेड इन इंग्लैंड एज बॉनफायर. ठीक है, बॉनफायर डे के नाम से इंग्लैंड में इस 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन गन पावर ट्रीजन जो है वो प्लान हुआ था. सो दिस वॉज ऑल अबाउट जेकोबियन एज. नाउ लेट्स डिस्कस कैरोलाइन एज. Caroline age is from 1629 to 1649 and was ruled by Charles I, who was the second child of James I. इनका नाम James II इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्कॉटलैंड में ऑलरेडी James II से किंग थे, क्योंकि ये James VI हुआ करते थे. इसलिए उस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन को न क्रिएट हो, दैट्स वाई ही वॉज नेम्ड Charles I. नाउ Charles I मैरिड टू कैथलिक प्रिंसेस फ्रॉम फ्रांस. तो जब इन्होंने एक फ्रेंच लेडी से शादी करी वो भी कैथलिक, तो कुछ लोग उनके अगेंस्ट हो गए. ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि किसी और कंट्री से क्वीन आए. ओके,
तो वो जो लोग जो चार्ल्स द फर्स्ट के अगेंस्ट हो गए थे, उन्होंने ग्रुप फॉर्म किया प्रोटेस्टेंट्स पीपल, एंड दे वर द प्यूरिटन्स, उन्हें जाना गया प्यूरिटन्स से, ठीक है। दे वर ऑल्सो नोन एज द राउंड हेड्स, ठीक है। नाउ देर वर मेनी मिस्टेक्स डन बाय चार्ल्स द फर्स्ट। फर्स्ट वी नो दैट ही मैरिड टू अ कैथलिक प्रिंसेस, जिसकी वजह से एक ग्रुप ऑफ पीपल उनके अगेंस्ट हो गया। सेकेंड, ही प्लेड फाउल विद द ट्रेजरी ऑफ इंग्लैंड एंड लेविड द स्टार चेंबर टैक्स। उन्होंने स्टार चेंबर टैक्स लगाया। उसमें क्या होता था कि जो भी रिच पीपल है उन्हें बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था अगर उन्होंने कुछ भी फॉल्स किया है तो, और वो सारा टैक्स जो है वो ट्रेजरी में न जाके चार्ल्स दी वन के पास चला जाता था, तो ये पीपल को पसंद नहीं आया। सेकेंड, ही फोर्स्ड पीपल टू प्ले शिप मनी। पहले ये जो शिप मनी था ये सिर्फ वही लोग पे करते थे जो कोस्टल एरियाज पे रहते थे, बट अब इन्होंने ये हर एक के लिए कंपलसरी कर दिया। ओके, इट्स ट्रू, मतलब कहीं ना कहीं ये सही थे कि भाई नेवी तो सबके लिए यूज़ हो रही है तो सिर्फ कोस्टल वाले लोग ही क्यों दे, बट देन ऑल्सो जिन पीपल पे ये लगा था देवर एंग्री विथ हिम। नेक्स्ट, ही डिड नॉट अलाउ मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट टू मीट फॉर अ डेकेड। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 ईयर्स तक उन्होंने मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट्स को मिलने ही नहीं दिया, क्योंकि फॉर हिम किंग वॉज द सुप्रीम पावर, और मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट अगर मिलते तो हो सकता है वो उनके अगेंस्ट कुछ प्लॉट करते, जैसा कि जेम्स वन के अगेंस्ट भी हुआ था। तो उन्होंने काफ़ी सालों तक मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट को मिलने ही नहीं दिया। देन वॉट हैपेंड, ही फॉट विद स्कॉटलैंड। ओके, चार्ल्स द वन केम विद फाइट विद स्कॉटलैंड, और इस टाइम पे इन्हें पार्लियामेंट के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। अब पार्लियामेंट इन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट के मेंबर्स को मिलने ही नहीं दिया था फॉर अ डेकेड। तो व्हाट हैपेंड, जो पार्लियामेंट है उन्होंने इनके सामने दो शर्तें रखी कि अगर आप ये चीज़ें मानोगे देन ओनली वी विल सपोर्ट यू इन दिस फाइट। वॉट टू एग्जीक्यूट चीफ एडवाइज़र थॉमस वेंटवर्थ, कि चार्ल्स वन के जो चीफ एडवाइज़र है जो उन्हें ये एडवाइजेस देते हैं सारी, थॉमस वेंटवर्थ, उन्हें डेथ पेनल्टी हो। एंड सेकंड, ही विल नॉट हैव एनी पावर टू डिसॉल्व पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का किंग के पास कोई पावर नहीं होगा। ये दो टर्म्स पार्लियामेंट ने चार्ल्स द फर्स्ट के सामने रखे कि आप ये दोनों बातें मानेंगे देन ओनली वी विल हेल्प यू इन द फाइट विद स्कॉटलैंड। नाउ चार्ल्स वन को गुस्सा आ गया कि भाई पार्लियामेंट मेरे सामने ऐसी शर्तें कैसे रख सकता है। तो ही टुक अनदर रॉन्ग स्टेप। वॉट वॉज दैट, इन 1642 चार्ल्स द वन मार्च्ड ऑन द पार्लियामेंट विथ 300 सोल्जर्स विच पेव द वे फॉर सिविल वॉर। 1642 में चार्ल्स द वन 300 सोल्जर्स को लेकर और पार्लियामेंट पे उन्होंने अटैक कर दिया। तो मेन रीज़न इसकी वजह से सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। लोगों ने सोचा कि जब हमारा पार्लियामेंट ही सेफ नहीं है तो हम कॉमन पीपल कैसे सेव होंगे। तो दैट्स वाई इंग्लिश सिविल वॉर स्टार्टेड। नाउ वॉट वॉज इंग्लिश सिविल वॉर? इंग्लिश सिविल वॉर वॉज द वॉर बिटवीन चार्ल्स वन एंड द पार्लियामेंट। हु सपोर्टेड चार्ल्स वन? नॉर्थ एंड साउथ वेस्ट इंग्लैंड, द रॉयलिस्ट एंड द कैरोलाइन पोएट्स। एंड हु सपोर्टेड पार्लियामेंट? लंडन एंड साउथ ईस्ट पीपल एंड द राउंड हेड्स, दैट इज द प्यूरिटन्स। तो स्टार्टिंग में रॉयलिस्ट जीत रहे थे, रॉयलिस्ट वॉज विनिंग। वाई? बिकॉज देर वॉज नो वन टू लीड द पार्लियामेंट, क्योंकि यहाँ पे तो चार्ल्स वन लीड कर रहे थे मगर पार्लियामेंट में लीड करने के लिए कोई नहीं था। तो स्टार्टिंग में तो रॉयलिस्ट जीत रहे थे, बट देन वॉट हैपन, केम अप ऑलिवर क्रोमवेल। ठीक है, ऑलिवर क्रोमवेल आए एंड दे लेड द पार्लियामेंट। एंड इन द बैटल ऑफ नेस्बे फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट फोर्सेज वन। तो पार्लियामेंट फोर्सेस सबसे पहले कहाँ जीती? बैटल ऑफ नेस्बे में। ओके, और यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि किसी किंग को मारा गया। तो फर्स्ट किंग किल्ड इज चार्ल्स वन इन 1649। ठीक है, तो चार्ल्स वन को जो है 1649 में मार दिया गया। नाउ द हेड इज ऑलिवर क्रॉमवेल। ऑलवेज रिमेंबर दैट From 1642 to 49, from 1642 to 1649, though officially Charles I was the ruler, but actually there was no ruler because civil war was going on. Officially, papers पे तो Charles I ruler हैं, मगर actually क्योंकि civil war हो रहा है तो वहाँ पे कोई ruler नहीं था। तो
Now came up Oliver Cromwell from 1649 to 1660. Now this period, approximately from the year 1642 or 1640 to 1660, this period is known as period of interregnum. Period of interregnum, and England was ruled by Oliver Cromwell, who was a Puritan. Okay, koi king, queen, kuch nahi tha. इस पीरियड में ओलिवर क्रॉमवेल रूल कर रहे थे, जो कि एक प्यूरिटन थे. अब हम जानते हैं कि प्यूरिटन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस होते हैं. तो ओलिवर क्रॉमवेल ने कुछ रूल्स बनाए इंग्लैंड के लोगों के लिए. फर्स्ट वाज विमेन नो ब्राइट क्लोथ्स एंड मेकअप, कि विमेन जो है बिल्कुल ब्राइट क्लोथ्स नहीं पहन सकती, कुछ मेकअप नहीं लगा सकती. सेकेंड, इन 1642 थिएटर्स वर क्लोज्ड, थिएटर्स को बंद कर दिया गया, क्योंकि ओलिवर क्रॉमवेल एक प्यूरिटन थे और उन्हें ऐसा लगता था कि हार्ड वर्क इज़ ओनली द वे फॉर साल्वेशन, कि साल्वेशन के लिए हार्ड वर्क ही एक वे है. ओके, और अगर हम एंटरटेनमेंट में चले जाएंगे तो हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे. तो दैट वाज द रीज़न ही क्लोज्ड द थिएटर्स इन 1642. लाइसेंसिंग फ्रॉम स्टेशनर्स कंपनी कंपलसरी, अगर आपको कुछ भी वर्क पब्लिश कराना है तो स्टेशनर्स कंपनी से लाइसेंस कराना ज़रूरी कर दिया. संडे को रिलीजियस डे बना दिया, कि संडे को आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, आपको पूरा दिन बस चर्च में बिताना है. मतलब अगर कोई स्पोर्ट्स करते हुए भी मिल जाता था तो उसे भी पनिशमेंट मिलता था. क्रिसमस को भी रिलीजियस फेस्टिवल बना दिया, दो क्रिसमस इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल, बट लोग जैसे सेलिब्रेट करते थे, अच्छा खाना बनाते थे या घर डेकोरेट करते थे. तो क्रॉमवेल को लगता था कि इससे जो मेन मोटिव है वो ख़त्म हो जाता है, कोई जीसस के बर्थ पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा है. तो उन्होंने ये कह दिया कि ना ही घरों में अच्छा खाना बनेगा, ना ही घर डेकोरेट होंगे, आपको सिर्फ जीसस के बारे में सोचना है. और उन्होंने कई सारे कैथलिक्स को भी मार दिया, बिकॉज ही वॉज अ प्यूरिटन. ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनकी वजह से लोग जो हैं चार्ल्स द सेकेंड को वापस थ्रोन पर लेकर आए, हु वॉज द सन ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट. ठीक है, चार्ल्स द फर्स्ट जब हार गए, उनको डेथ पेनल्टी हो गई, तो चार्ल्स द सेकेंड इंग्लैंड छोड़ के चले गए, ही भाग गए, मतलब ही फ्लेड अवे फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि अब उनको भी खतरा था. और जो रूल है वो ओलिवर क्रॉमवेल ने लिया. बट बाद में जब ओलिवर क्रॉमवेल ने ये सारी चीज़ें करी, देन पीपल थॉट ऑफ रीस्टोरिंग चार्ल्स डी सेकेंड, एंड दैट वॉज नोन एज द रेस्टोरेशन फ्रॉम 1660. इस एज के बारे में विल डिस्कस इन आ नेक्स्ट वीडियो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट जेकोबियन एज, कैरोलाइन एज एंड द पीरियड ऑफ इंटरइग्नम. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. Till then, keep learning. All the best. Bye-bye.